आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हैप्पीनेस चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा गुरुवार को दिव्यांग विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के दिव्यांग विवाह योग्य युवक युवती और उनके परिजन परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान के अध्यक्ष राम प्रकाश बलदेवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान दिव्यांगों के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती आ रही है। दिव्यांगों की सुविधा और सहायता के उद्देश्य को लेकर दिव्यांग युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वावधान में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थल रेडक्रॉस सोसायटी भवन नीमच पर आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के दिव्यांग युवक युवती पहुंचे हैं और इस परिचय सम्मेलन में भाग लेने वाले दिव्यांग भाई बहनों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क किया गया है। दिव्यांग युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन में लगभग 52 पंजीयन हुए हैं। इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से 4 दिव्यांग जोड़ों का विवाह तय हुआ है, जिसमें चंद्रमुखी बाई पिता लखन लाल निवासी झारखंड का विवाह, श्यामलाल पिता लक्ष्मी नारायण निवासी नीमच, पल्लवी यादव पिता हिम्मत सिंह निवासी नीमच का विवाह, राहुल पिता महावीर निवासी नीमच, राखी पिता शिवलाल निवासी इंदौर का विवाह, गोवर्धन लाल पिता विक्रम सिंह बंसल निवासी सागर एवं जीवन बाई पिता हिंगमल कौशल निवासी इंदौर का विवाह रामभजन पिता मूलचंद पटेल जबलपुर से तय हुआ है। इनका विवाह अगली तिथि पर संस्थान द्वारा निःशुल्क विवाह कार्यक्रम में कराया जाएगा। उसमें शासन से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ भी दिव्यांग जनों को संस्था द्वारा दिलाया जाने का प्रयास किया जाएगा। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान के अध्यक्ष राम प्रकाश बलदेवा ने बताया कि नीमच में दिव्यांग विवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन का ये 12 साल बाद दूसरा आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम नेहा मीणा, विशेष अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय विभाग के अपर उप संचालक अरविंद डामोर सहित संस्था के उपाध्यक्ष दशरथ धनगर, सचिव तुलसीराम मेघवाल, कोषाध्यक्ष राधा ग्वाला, जमुना केवट, विनोद पाटीदार, दीपक पांचाल, नंदकिशोर मेघवाल, उषा सचदेवा और रेडक्रॉस से उमेश चौहान, सामाजिक न्याय सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस आयोजन के पीछे सोच ये है कि हमारी जो संस्था है दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान, यह दिव्यांगों के क्षेत्र में ही काम करती है, तो दिव्यांगों को भाई बहनों को असुविधा नहीं हो, एक उनको मंच मिले, इस दृष्टिकोण से हमने प्रयास किया है कि दिव्यांग भाई बहन एक मंच पर आए और वैवाहिक जो लायक हैं उनके रिश्ते यहाँ बने और उनके जिनके रिश्ते यहाँ तय होंगे उनका हम अगले महीने या जून मई या जून में उनके विवाह भी हम संस्था के माध्यम से कराएंगे और आज हमें संभावना है कि 5 जोड़े यहाँ तय होने की पूरी संभावना। अभी तक हमारे पास 92 पंजीयन हो चुके हैं। ये पूरा हमने ओपन रखा है कि पूरे भारतवर्ष से कहीं के भी दिव्यांग भाई बहन इसमें भाग ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नीमच जिले में दिव्यांगों के क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन काफ़ी लंबे समय बाद हुआ है। मेरी जहाँ तक जानकारी में 12 साल बाद ये आयोजन होने जा रहा है, यह दूसरा आयोजन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी सामाजिक संस्था द्वारा यह आयोजन नीमच जिले में पहली बार किया जा रहा हुआ, हमेशा सामाजिक फंड से शासकीय सहायता से आयोजन हुए हैं पर यह पहली बार संस्था के सहयोग से और संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये था आप तक का अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।